अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक जादुई कहवा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि 100% काम करता है। अगर आपको गले में दर्द है, टॉन्सिल्स हैं, या आपको नज़ला खांसी फ्लू की शिकायत हो गई है तो आपने ये कहवा बनाना है। इसको बनाकर आपने दिन में 3 बार पीना है तो इंशाल्लाह ताला आपको फ़ौरन इसके नतायज मिलेंगे एक ही दिन में। तो ज़रूर इसको आपने ट्राई करना है। तो मैं आपको आज इसका तरीका बताऊँगी कि मैं किस तरीके से इस कहवे को बनाती हूँ और आपको प्रॉपर बताऊंगी कि किस तरीके से आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर पैन में 3 कप पानी लिए हैं। पानी में एक बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। तो ये देखिए पानी में नीचे बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं। तो अब हम इसमें अदरक डालेंगे। मैंने 1 टेबल स्पून अदरक ली है। अदरक को मैंने देखिए बहुत ज़्यादा बारीक काट लिया है। दालचीनी की 2 स्टिक्स लेंगे हम यहाँ पर, 2 से 3 दालचीनी की स्टिक्स हैं, और लौंग हम इसमें डाल देंगे, और ये 1 बड़ी इलायची है ये भी हम इसमें डालेंगे साथ में। 1 चम्मच हम इसमें ग्रीन टी का डाल देंगे। सब चाय की पत्ती ये आसानी से मिल जाती है, ये हम इसमें डालेंगे। अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आप नॉर्मल जो चाय बनाते हैं वो वाली आप पत्ती इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो बस अब इसको हम पकने देंगे 5 मिनट तक ऐसे ही। तो यहाँ देखिए इस कहवे को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो मैंने इसे ढक्कन लगाकर पकाया है तो इन तमाम चीज़ों का इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर कहवे में आ चुका है। तो अब हम इसको छान लेते हैं और निकाल लेते हैं कप में। तो आपने इस कहवे को गर्म ही यूज़ करना है। अभी इसका 1 इंग्रेडिएंट बाकी है तो इसमें हम मिठास के लिए शहद का इस्तेमाल करेंगे, और शहद नज़ला खांसी बुखार में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है, काफ़ी हेल्पफुल करता है ये। तो आपने शहद का 1 चम्मच इसमें डाल लेना है 1 कप में, और आपने ये नीम गर्म ही पीना है, इतना गर्म कि आप बर्दाश्त कर सकें। अगर आप इसको ठंडा करके पियेंगे तो फिर ये इतना तेज़ी से असर नहीं करेगा। तो हमने इसको गर्म ही पीना है और इसमें शहद मिलाकर इसको हम पियेंगे। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका ऐसा है कि आप इसको दिन में 3 बार इस्तेमाल कर लें। आप बना कर इसको रख लें और आप इसको वक्फे वक्फे से पिएं। इसका कोई भी नुकसान नहीं है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है कहवा। तो ज़रूर आप लोग इस कहवे को ट्राई कीजिए, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।